फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप अलार्म को सेट कर सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। दोनों चीज़ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, अगर आप बंद करना चाहते तो भी और ऑन करना चाहते तो भी। ठीक है, तो सबसे पहले एक्टिवेट करना जानते हैं यानी कि ऑन करना जानते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो सर्च बार होते हैं मोटरोला के फ़ोन में, आपको यहाँ पर सी लिख देना है। उसके बाद इस तरीके का निशान होगा और क्लॉक लिखा होगा, तो इस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलार्म मेरा पहले से लगा है, तो मैं इसको पहले डिलीट करूँगा। तो आप देख सकते हैं डिलीट नहीं होगा क्योंकि ये अलार्म नहीं है। इस पर क्लिक करना होगा, ये अलार्म आ जाएगा। उसके बाद ये एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट कर देना है। और इसी प्रकार से इसके एरो पर भी क्लिक करना है, इसको डिलीट कर देना है। ये तो डिलीट करना बताया जो हमने अपने अलार्म लगा हुआ था पहले से। ठीक है, और सबसे पहले लगाने के लिए आपको इस पर क्लिक करने के बाद एक प्लस का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपका टाइम होता है, फॉर एग्जांपल मैं 5 बजे का लगा दिया हूँ, 5:10 पे, यानी कि इधर होता है आवर्स, इधर होता है मिनट और इधर होता है AM PM। तो AM यानी कि सुबह होता है, सुबह को मैंने लगा लिया है 5:10 पे, उसके बाद ओके कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर से एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, हालांकि पहले भी था, अब इस पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहते हो तो इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहते हैं कि अलार्म ऑफ हो जाए तो ऑफ़ कर सकते हैं। डिलीट करना तो ऑब्वियसली सुबह उसी टाइम ही बता दिया था। रिंगटोन चेंज करना है तो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और डिसमिस पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जो भी अलार्म है उसको सेट कर देंगे। उसके बाद बैक कीजिए और आपका अलार्म का रिंगटोन सेट हो चुका है। और इसी प्रकार से आप इस पर क्लिक करके इसको बंद करके इसको बैक कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये ऑफ है अभी, ध्यान रखिएगा, इसको ऑन करेंगे तभी ये ऑन होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।